हाँ जी, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको प्लगइन समझाने के लिए। मैंने अडोब एक्सडी को खोला हुआ है। आपने यहाँ टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जो एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो ये प्लगइन्स का पैनल है। डिस्कवर प्लगइन पे क्लिक करें तो आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपने सर्च करना है आइकन्स, एंटर करें तो आपके सामने आइकन्स के बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, हमारी डिज़ाइनर की ज़िंदगी आसान करने के लिए कुछ सपोर्ट दी होती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आना है आपने, ये जो प्लगइन का है ना आइकन फॉर डिज़ाइन, इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ओके कर दें, ये 1-2 मिनट लेगा, ये डाउनलोड होके आपके एक्सडी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आइकन्स वाले में ही एक ऑप्शन आ जाएगी। अब इसका यूज़ कैसे है, यहाँ क्लिक करें। सपोज़ आपको जिस भी चीज़ का आइकन चाहिए, आपको सर्च का आइकन चाहिए, यहाँ सर्च करना है और आपको यहाँ लिस्ट आ जाएगी आइकन्स की। जिस पे भी आप क्लिक करेंगी वो इधर शो हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और रिसाइज कर लें। ठीक है, कोई और आइए, इसको जो है ना आप ऐसे रिसाइज करें। अब इसकी विड्थ बढ़ानी है, बॉर्डर को बढ़ा लें। ठीक है, तो ये आपके पास एक आइकन आ गया और ये कलर भी चेंज हो सकता है। वेक्टर इमेज है ये, SVG इमेज है। यहाँ पे जिस भी चीज़ का आइकन चाहिए, ईमेल का चाहिए, ईमेल सर्च करें, उसका आइकन यहाँ पड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली पड़ा ही होगा। ठीक है, तो एक ये प्लगइन एक आप कर लें अपने पास इंस्टॉल। सबसे ऊपर जाएं, मज़ीद कुछ प्लगइन्स आप कर लें इंस्टॉल। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करें दोबारा यूज़र प्रोफाइल, एंटर करें तो आपके पास एक ये प्लगइन आ जाएगा। इसको आप गेट कर लें या कोई 5 स्टार देख लें यूज़र गो। मैं ये यूज़ करता होता हूँ तो मैं यही करा देता हूँ। आपको ये गेट कर दें। ओके, ये भी अब 2-4 मिनट लेगा डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में, तो ज़रा वेट करते हैं। अच्छा जी, चलें, ये जल्दी हो गया है। अब आप वापस जब आएंगे ना इसी मेन्यू में, तो यहाँ आ गई है। अब इससे क्या होगा, सपोज़ आपने कहीं डिज़ाइन में अपनी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर डालनी है। अब ये गोल दायरा बनाया, इसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, तो सिर्फ आपने यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करना है। एक दफ़ा मेल की चाहिए, फीमेल की चाहिए, स्मॉल, नेचुरल, सब कुछ चेक करके ना इंसर्ट रैंडम फ़ोटो पे क्लिक कर दें। अब हर दफ़ा जब आप इस प्लगइन पे क्लिक किया करेंगी ना, दोबारा आता हूँ, इस मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया, इधर क्लिक करेंगे इंसर्ट रैंडम फ़ोटो, ये खुद ही एक रैंडम जनरेट कर देगा प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, जो फ्री टू यूज़ है, आप कर सकती हैं। अच्छा, ऑल प्लगइन्स में ना ये जो जितने आपको नज़र आएंगे सारे काम के हैं, कोई कुछ कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे लोरम इप्सम है, इसको मैं गेट करता हूँ। जो फर्स्ट पेज पे शो होंगे ना, ये थोड़े काम के प्लगइन हैं, लेकिन सब नहीं, आपने जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना बस। लोरम इप्सम इंस्टॉल हो गया, यहाँ देखें आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैंने कोई टेक्स्ट का बॉक्स बनाया, इसके ऊपर सेलेक्ट करके मैं लोरम इप्सम और यहाँ पे क्विक रैंडम लोरम इप्सम पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखें ये पूरा मेरे पास रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया, तो हमें कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इसे फिल कर लेते हैं जिस मर्जी कलर से या जो भी काम करना है। इसके अलावा प्लगइन देखें कोई, तो हमारे पास एक है काम का यू ड्रा भी। ठीक है, कभी आपने ग्राफ डालने अपने तो उसके लिए चार्ट्स के लिए ये प्लगइन है जो फ्री में चार्ट्स देता है। उसके अलावा हाँ, अनस्प्लैश रैंडम इमेज, इसको भी गेट कर लें। अनस्प्लैश का आपको पता है ना, एक वेबसाइट है जहाँ से फ्री में इमेजेस मिलती हैं। तो अगर आपने कोई स्लाइड शो की बड़ी इमेज डालनी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई स्लाइडर लगा रहा हूँ, अनस्प्लैश पे क्लिक करें, फुल वीडियो इमेज। यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके की इमेज चाहिए, मुझे लैंडस्केप में चाहिए, गेट इमेज। तो ये आपके लिए कोई रैंडम इमेज फिल कर देगा। ठीक है, एक इसके अलावा एक होता है वो, अगर मुझे यहाँ मिल जाए, स्टॉक इमेज, इसको गेट कर लें। स्टॉक इमेज का ये फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इमेज लगानी है, स्टॉक इमेज पे क्लिक करूँगा, अडोब स्टॉक इमेज। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग की, किसी भी चीज़ की इमेज चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करके लिख सकता हूँ प्रोग्रामिंग, एंटर करें। तो अब स्टॉक इमेजेस वेबसाइट जो है वहाँ से मुझे रैंडम तस्वीरें आएंगी प्रोग्रामिंग की जो फ्री टू यूज़ हैं। अब ये ज़रा लोड हो जाए।
चलें जिसको भी डालना है उस पर क्लिक करें और अप्लाई वन इमेज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर डालना है अप्लाई वन इमेज, यहाँ पे ये तस्वीर पूरी हो गई। ठीक है, तो प्लगइन्स का बेसिकली यूज़ यही होता है, जो मोस्टली यूज़ होने वाले प्लगइन्स हैं ना वो यही कुछ होते हैं। अब आप देख लेना और हमें क्या चाहिए डिज़ाइनिंग करते वक्त, तो मोस्टली ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं जो जिनसे सब कुछ हो जाता है। कोई एक आधा और शायद हो तो मैं ढूंढ के आपको नाम बता दूंगा, वो भी आप इंस्टॉल कर लेना। बहरहाल ये सब आप कर लें।